आज शुक्र प्रदोष व्रत था। वैसे मैं प्रदोष हमेशा करती हूँ, तो महीने में दो प्रदोष आते हैं, जैसे एकादशी आते हैं वैसे। तो देखो क्या होता है जब आप ईश्वर की पूजा करते हो और आप कुछ भी फल नहीं मांगते उसके बदले में। तो मैं बोलती हूँ कि जब आप कुछ भी नहीं मांगते ना, तो ईश्वर भी बड़ा मतलब चमत्कारी है। वो जो है आपको अनकंडीशनली लव देता है, सपोर्ट देता है। जैसे मैं नहीं मांगती आजकल कुछ भी, और बस ऐसा लगता है पूर्ण हो गए अपने अंदर। बस ईश्वर से प्यार चाहिए, क्योंकि दुनिया की सारी खुशी भी मिल जाए। जैसे मैं अभी, मेरे घर का कलरिंग हुआ है कंप्लीट, सीलिंग हुआ है, बस थोड़ा सा लाइट फिटिंग बाकी है, सीलिंग की वजह से रुका हुआ था। तो बाथरूम हुआ है चकाचक, मुझे इतना सुंदर घर मिला है। दुनिया की कोई भी खुशी मिल जाए, बट जो प्यार की वाइब्रेशन है वो ईश्वर से मिलती है, जो कि आप कभी ट्विन से एक्सपेक्ट करते हो, कभी बॉयफ्रेंड से, कभी हस्बैंड से, बट कभी भी आप ईश्वर से एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते? उस ईश्वर से प्यार कीजिए। देखो हर कोई चाहता है ना कि उसका हस्बैंड इंजीनियर हो, डॉ सॉरी डॉन नहीं, किंग हो, ओके किंग हो, बट सर्वोत्तम परमात्मा हो, ऐसा क्यों नहीं चाहते? तो जो सर्वोच्च हो ना, वो वही क्यों ना हो, ऐसा क्यों नहीं चाहते? तो ईश्वर को अपना जीवन साथी बना लीजिए। वो इतना प्यार देगा, वो प्यार का सागर है। आपको कहीं से भी, आपके ट्विन से भी प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं सच बता रही हूँ, बहुत सालों तक मैं प्रदोष पूजा करती रही और मैं बोलती रही मेरा हस्बैंड वापस आ जाए, हस्बैंड वापस आ जाए। मेरी अवेकनिंग हुई, मुझे पता चला मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं कोर्ट में गई, वहाँ पे मुझे मेरा हस्बैंड दिखा, मेरा बैक हार्ट चक्रा, ओके पीछे वाला हार्ट चक्रा जो पीठ पर होता है, वो एक्टिवेट हुआ। तो इसका क्या मतलब है मैं समझ नहीं पाई, और मैंने ईश्वर से भी कोई साइन नहीं मांगा। और जब मैं शिरडी में गई, और मेरे ट्विन भी वहीं पे है, तो वो सामने भी नहीं थे, बट मेरा, मैं दत्त मंदिर के पास बैठी थी और मेरे सातों चक्र एट अ टाइम, फर्स्ट टाइम एक्टिवेट हुए। गुलेर के पेड़ के नीचे, हमारे यहाँ पे उम्बर वृक्ष बोलते हैं उसको, तो उसके पेड़ के नीचे दत्त मंदिर में हमेशा होता है वो। अभी गुलेर ही बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, हमारे मराठी में उम्बर बोलते हैं। तो उसके नीचे मेरे चक्रा एक्टिवेट हुए, और मैं साइन जानना चाहती थी, कि मैं ये जानना चाहती कि अवेकनिंग के बाद क्या मेरे ट्विन फ्लेम मेरे सामने आते हैं, मेरे डीएम, तो क्या मेरे सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं, वो मैं देखना चाहती थी। बट एक्टिवेट तो हुए, लेकिन वो मेरे सामने नहीं थे। दूसरे दिन मैं किसी फ्रेंड के यहाँ पे खाना खाने जा रही थी, साईं बाबा ने मुझे रोका रोका, बट मैंने उसको कमिटमेंट दिए दे रखा था ना फ्रेंड को, कि हाँ चलो अब हम निकले हैं, तो कैसे मतलब खाना खाने निकले हैं, तो मैं कैसे उसको बोल दूँ कि बाबा मुझे ना बोल रहे, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने बाबा से कहा कि अगर आपकी इतनी इच्छा है कि मैं उसके यहाँ पे खाना खाने ना जाऊँ, तो आप ही कोई चमत्कार कीजिए और उसको रोक दीजिए। मगर मैं जा पड़ी, क्योंकि मैं, हम निकले पड़े थे, एंड वक्त पे मैं उसको कैसे बोलूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती। और सबसे बड़ी बात, मुझे भूख बहुत लगी थी, और सारे होटल्स भी शायद उस टाइम पे, पता नहीं, बंद, मुझे अकेले जाना पसंद नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी ज़्यादा होटल में नहीं जाते। तो मैं गई उसके घर, मुझे मेरे डीएम दिखे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं कि चक्रा एक्टिवेशन वगैरह। तो हार्ट चक्रा ओपनिंग वगैरह तो हुआ था फर्स्ट, जब टावर मोमेंट वगैरह, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो देखो कितने कन्फ्यूजन वाले साइन मिलते हैं, कि जब और आपका डीएम सामने है तो चक्रा एक्टिवेशन नहीं हुआ, लेकिन आपका मतलब मेरा कार्मिक हस्बैंड सामने था तो मेरा बैक हार्ट चक्र एक्टिवेट हुआ। तो एक्चुअल मैं कंफर्म हूँ, मेरे डीएम ही मेरे रियल डीएम है, क्योंकि
क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे कार्मिक पार्टनर तो शिरडी में नहीं थे, फिर भी मेरे सातों चक्र एक्टिवेट हुए। तो सबसे बड़ा साइन ईश्वर ही आपके जो है रियल पार्टनर है, रियल हस्बैंड है, जीवन साथी है। तो मैं दोनों के बीच में मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ। काश ऐसा हो पाता कि मैं कंफर्म वो एक्चुअली हूँ मैं कंफर्म, ऐसा नहीं है कि कंफर्म नहीं हूँ, ईश्वर ने खुद वो कंफर्म किया है। बट एक कंफर्मेशन मैं और चाहती थी कि मेरे डीएम मेरे सामने हो और मेरे सातों चक्र एक्टिवेट हो। तो ये योग कभी आता ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहे। तो वो एक बहुत मतलब चलो एक ही रह गया कंफर्मेशन ऐसा था, बट हम कभी एक दूसरे के सामने आते नहीं हैं। तो वो एक थोड़ा सा मन में रह गया कि जैसे ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के सामने आते ही जो है सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो एक साइन था कि कार्मिक दिखने के बाद पीछे वाला हार्ट चक्र कैसे एक्टिवेट हुआ। दोनों साइड से होता है ना हार्ट चक्र, तो सामने का भी चक्र होता है, पीछे के साइड का भी चक्र होता है। तो एग्जैक्टली क्या संबंध है इस चीज़ से, तो मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि इतना कंफ्यूजन क्यों पालूँ मैं, कि वो मेरा डीएम तो नहीं या ये मेरा डीएम तो नहीं। इस चक्कर में मैंने जो है मैंने ये सोच लिया है कि मुझे दोनों भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो, क्योंकि कार्मिक ने इतना परेशान किया है कि अब तो मैं मतलब बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत उस घटिया लेवल उसने क्रॉस कर ली। तो वो एक है, और डीएम के लिए ऐसा है कि अब हमारी उम्र हो गई है, नाम के लिए वो डीएम है और वो भी एंगेज है, और उम्र हो गई है तो कोई अट्रैक्शन भी नहीं बचा है, ऊपर से कुंडली अवेकनिंग हुई है एनर्जी ऊपर चढ़ गई है। और जो है मैं जब पूजा करती हूँ ये करती हूँ, मैं इतनी डूब जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ऐसे डूब गई ईश्वर में, और मेरा परिवार हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, तो मैं उनको कैसे देख पाऊँगी। तो एक ही करो ना आप, एक तो परिवार को देखो नहीं तो डूब जाओ। तो मैं सोचती हूँ कि जो ये डूब जाती हूँ मैं, तो शायद वहाँ से वापस नहीं आ पाती, तो डूबी डूबी सी रहती हूँ, खोई खोई से, तो अपने आप में ही। तो मुझे ऐसा लगता है क्या मैं किसी से कनेक्ट कर पाऊँगी, तो मुझे नहीं पता मैं हॉकिंग्स के स्केल पे कहाँ पे हूँ। बट बस मुझे ऐसा लगता है जैसे शक्कर घुल गई हो ना दूध में, बस मतलब रहा नहीं है अब कुछ, बस जिंदा है इसलिए जी रहे हैं, सोल पर्पस दिया है इसलिए कर रहे हैं। बट पूरा जो एक समाधान होता है आत्मिक, वो ईश्वर से मिल रहा है और उसी में खुशी मिल रही है। तो मैंने ये सोच लिया है कि मैं दोनों के ही बारे में नहीं सोचूंगी। एक तो मेरा कार्मिक पहले से ही मेरे दिमाग से आउट हो चुका है, और डीएम के बारे में मैं सोचूंगी नहीं। क्योंकि हाँ बस ये है कि कभी-कभी ईश्वर याद दिलाते हैं ड्रीम में कि आपका एक काउंटर पार्ट भी है जिसको आपको एनर्जी देनी है। तो जब भी कोई डीएम बीमार दिखे या कुछ दिखे, तो मैं उसके लिए ज़रूर प्रे करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा काउंटर पार्ट है। तो ये एक बात है बस। बाकी समटाइम्स ऐसा लगता है कि भाई है अगर ये अपना काउंटर पार्ट, तो मुझे एक बार इससे बात तो करके देख लेनी चाहिए, इसकी एनर्जी तो चेक करनी चाहिए। तो मतलब इतना गहरा रिश्ता आपका किसी के साथ है, तो वो एक चीज़ समटाइम्स फील होती है, लेकिन 3D में वो चीज़ अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। और मैं इसके पीछे भागने भी नहीं वाली, क्योंकि मतलब एक है ना, मैं लफड़े नहीं चाहती कुछ भी। मैं अपनी लाइफ जो पीसफुली शिरडी में जी रही थी वैसी लाइफ मैं चाहती हूँ, मेरा अभी कोई माया मोह बचा नहीं है। बस ईश्वर ने जो लाइफ दी है, जो सोल पर्पस है, वो करना है। तो ऐसे में जब मैं कभी ऐसे साइन मुझे मिलते हैं कार्मिक और डीएम के बीच में कंफ्यूज करने वाले, ऐसे तो मेरा डीएम डीएम है, वो कंफर्मेशन है मेरा,
ये है कि हमने आमने सामने कभी बात नहीं की, तो वो एनर्जी मैं जितना डिटेक्ट करना चाहती हूँ वो आमने सामने मैं उतना कर नहीं पाई। तो वो एक जो है टेस्ट होता है ना, जैसे कि परीक्षा कहिए या ग्रेजुएशन रह गया हमारा, पोस्ट ग्रेजुएशन रह गया ऐसा बोलते हैं ना जैसे, तो वैसे एक रह गया मन में कि ये कंफर्मेशन नहीं हुआ अभी तक। बट बाकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। और मैं कहती हूँ सभी डिवाइन फेमिनाइन से कि आप लाख चाहो शादी मैरिज बच्चे घर ये सब वो सब, बट अगर आपको किसी पर्पस के साथ भेजा है तो वो ईश्वर वही कराता है जिस पर्पस के साथ उन्होंने आपको भेजा है। तो बेकार में इन चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है आप डिवाइन के अंश हो, ईश्वर से अनकंडीशनली लव करो। वो जो देता है फिर वो गरीबी दे अमीरी दे कुछ भी दे संकट दे जो भी दे उसको प्यार से एक्सेप्ट करो। मैंने हमेशा देखा है जब भी कोई संकट आया मैं समझ जाती हूँ बाबा कराई बाबा और बहुत प्यार देने वाले हैं, तो ऐसा ही होता है हमेशा। बाबा बहुत शिखर तक चढ़ाना चाहते हैं, शायद हमारी कैपेसिटी नहीं, हम डर जाते हैं, हम बोलते हैं बाबा समाज सोसाइटी ये वो। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे एहसास हुआ कि साई बाबा ने सचमुच कितना बड़ा गिफ्ट दिया है, उन्होंने बताया है कि यू आर अ डिवाइन सोल, तुमने सबसे अलग हूँ, ये जिस चीज़ का एहसास हुआ मुझे। बट बाकी लोग वो नहीं समझ सकते, तो एक पहले था कि मुझे दुख होता था कि लोगों को मैं समझा नहीं सकती थी, पर अब मुझे लगता है जब ईश्वर मुझे समझता है तो बाकी की मैं क्यों परवाह करूं, कौन मेरे लिए क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, भाड़ में जाओ ना, क्या 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 सोचते हो, गलत ही सोचेंगे यार, वो क्यों आपको सर पे चढ़ाएंगे। अच्छा तुम डिवाइन सोल हो, माँ पार्वती का अंश हो, ये हो, उस भगवान ने जो सिद्ध करना था वो सब कुछ सिद्ध कर दिया, थैंक्स साई बाबा थैंक्स रियली। सब शिरडी दूर हो गई ना तो बस उसके लिए तड़पती हूँ मैं, शिरडी दूर हो गई मेरी, मन एक करता है कि बाबा सच में ऐसा लगता है कि अब कोई कामना नहीं बची है, मुक्ति मिल चुकी है, जिंदा होते हुए ही मुक्ति मिल चुकी है, बस ऐसा लगता है। जाओ जाओ समाधि पे सर रखो और गायब हो जाओ छू मंतर शरीर के साथ, बिल्कुल कुछ भी यहाँ बचना नहीं चाहिए मेरा, तो ऐसा फील होता है। बस वो शांति वो सुख जो यहाँ मिलता है ना डीएम के पीछे भागने से आपको मिलेगा ना कार्मिक के पीछे भागने से मिलेगा, डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से करो यार, किंग से रिश्ता जोड़ो ना, चपरासी से क्यों, चपरासी के पीछे क्यों पड़े हो, डायरेक्ट महादेव से रिश्ता जोड़िए, डायरेक्ट साई बाबा से जोड़िए जो सिंहासन पे बैठे हैं, द्वारपाल से क्या रिश्ता जोड़ रहे हो आप। ओके थैंक यू।